हम बनाते हैं चिकन। तो जी सबसे पहले हम यहाँ पे लेंगे 1 किलो चिकन, जिसे मैंने अच्छे से वॉश करके यहाँ रख दिया है। और साथ ही हम ले रहे हैं टमाटर। टमाटर मैंने 8 से 9 अदर टमाटर लिए हैं, उसे बारीक बारीक काट लिया है। और लहसुन अदरक का पेस्ट, लहसुन अदरक का पेस्ट ले रहे हैं। और इसी के साथ हम ले रहे हैं कढ़ाई मसाला, जो मैंने घर पे रेडी किया है। इंशाल्लाह आने वाली वीडियो में मैं आपके साथ इसकी रेसिपी भी शेयर करूँगी। और इस और मज़ीद स्पाइस करने के लिए हम ले रहे हैं यहाँ पे कुटी हुई लाल मिर्च, हल्दी, नमक, और साथ ही हम ले रहे हैं भुना हुआ जीरा, धनिया और काली मिर्च। चले जी, आपने जैसे कि नोट कर लिया है, तो हम अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। चले व्यूवर्स, मैं इसके ऊपर अभी एक और पैन मैंने रखा है दूसरे चूल्हे पे, और इसमें मैं डाल रही हूँ ये जो टमाटर मैंने काट के 8 से 9 10 टमाटर काट के रखे थे, तो इसको जो है हम हल्के चूल्हे पे थोड़ा सा पकने देंगे। इसी में हम डालेंगे थोड़ा सा ऑयल। व्यूअर्स, मैंने टमाटर इसमें डाल दिए हैं और इसमें 1 टेबल स्पून ऑयल भी डाल दिया। और इसको अब मैं ढक के रख दूँगी हल्की आंच पे, ताकि हमारे टमाटर पेस्ट अच्छा सा रेडी हो जाए, क्योंकि ये हम एंड में ऐड करेंगे कढ़ाई में। तो चले, अब हम यहाँ पे रख दी थी कढ़ाई, और कढ़ाई में हम डालेंगे ऑयल। तो ये देखें, ऑयल हमारा हो गया गरम। गरम होने के बाद अब हम इसमें डाल दें अदरक लहसुन का पेस्ट, जो हमने बना के रखा हुआ था। और इसको हम भून लेंगे 4 से 5 मिनट। ये देखें, लहसुन हमारा भूनना शुरू हो गया। 4 से 5 मिनट हो गए, अब इसको मज़ीद हम 2 से 4 मिनट और भूनेंगे, ताकि इसकी जो स्मेल है लहसुन अदरक की, वो ख़त्म हो जाए। ये देखें, लहसुन अदरक भून चुका है। और अब हम इसमें डालने वाले हैं चिकन, जो मैंने अच्छे से वॉश करके रखी हुई थी, अब वो हम इसमें डाल देंगे। और इसे हम लहसुन अदरक के साथ भूनेंगे 10 से 15 मिनट। तो जी हाँ, देखें जैसे कि हमारी चिकन अच्छे से भून चुकी है अदरक लहसुन के साथ। अब हम इसमें मसाले ऐड करेंगे। सबसे पहले इसमें मैं डालूँगी 1 चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च, और इसी के साथ डालूँगी 1/2 टेबल स्पून हल्दी, और नमक डालेंगे हम हसबे ज़रूरत, जितनी आपको ज़रूरत हो। अच्छा जी, और इसके साथ जो मैंने मसाला घर में रेडी करा हुआ था, वो मसाला हम इसमें ऐड करते हैं। और इसे जो है हम इसी के साथ भूनेंगे, इसे भी 10 से 5 मिनट मसाले के साथ भूनेंगे। जैसे कि मैंने इसमें सारे मसाले डाल दिए हैं, अब मैं इसे हल्के चूल्हे पे थोड़ा ढक के रखूँगी, ताकि चिकन हमारी जो है गल जाए। उसके बाद फिर हम इसमें मज़ीद और मसाले जो हैं वो इसमें ऐड करेंगे, और टमाटर का पेस्ट ऐड करेंगे। अच्छा जी, यहाँ हमने टमाटर रखा था तेल के साथ पकने के लिए, तो देखते हैं टमाटर हमारे कुछ गले के नहीं गले। ये देखें, टमाटर हमारे पकना शुरू हो गए और पेस्ट की शक्ल अख्तियार कर गए। तो अब जिसमें भी थोड़े मोटे मोटे टमाटर होंगे, उसको हम अच्छे से चम्मच से तोड़ देंगे, ताकि वो एक अच्छा सा टमाटर का पेस्ट तैयार हो जाए। अच्छा जी, यहाँ पे टमाटर पेस्ट भी हमारा रेडी हो चुका है। देखें, बहुत ज़बरदस्त सा सॉफ्ट हो गया बिल्कुल। और इसको मज़ीद और चम्मच से ऐड कर, सॉफ्ट हो चुका है, इसको मज़ीद और चम्मच चला के आते इसको बिल्कुल मिक्स कर देंगे, ताकि ये अच्छा सा एक पेस्ट रेडी हो जाए, और एंड में हम इसको चिकन में ऐड कर देंगे। तो जी चले, टमाटर पेस्ट बिल्कुल हो गया है रेडी। इसके फ्लेम जो है हम ऑफ कर देंगे।
चले अब हम देखते हैं जो चिकन हमने 5 से 10 मिनट के लिए पकने के लिए रखी थी, और ये देखें हो गई है, कितने अच्छे से हो गई है। चिकन भी हमारी हल्की गल गई है। अब हम इसमें जो टमाटर हमने पेस्ट बना लिया था बिल्कुल पका के, उसको ऐड करेंगे। ये देखें बहुत अच्छा सा पेस्ट बन गया, अब वो हम इसमें ऐड कर देंगे। अब इसके साथ हम इसको 10 से 15 मिनट अच्छे से भूनेंगे। और जो मसाला मैंने भून के रखा था जिसमें था हमारे पास ये देखें 1/2 टेबल स्पून पिसा हुआ जीरा, 1/2 टेबल स्पून धनिया और पिसी काली मिर्च। अब इस मसाले को अच्छे से हम इसके अंदर मिक्स कर लेंगे और 10 से 15 मिनट के लिए इसे भूनने के लिए रख देंगे। ये देखिए कलर भी कितना अच्छा सा आ गया। ये देखिए व्यूअर्स, मैंने यहाँ पे अदरक बारीक काट के रखी हुई है, उसी के साथ धनिया और हरी मिर्चें। अभी जैसे ही हमारे ये सालन तैयार होता है हम उसके ऊपर इसको गार्निश करेंगे। चले व्यूअर्स देखें, ये अच्छा सा हमारा सालन बिल्कुल अब रेडी हो गया है। अब हम इसके अंदर डाल रहे हैं पिसा हुआ गरम मसाला 1/2 टेबल स्पून, और साथ ही हम इसमें डाल रहे हैं जो हमने ये देखें अदरक धनिया और हरी मिर्चें बारीक काट के रखी थी, वो भी हम इसके अंदर सारा डालते हैं। ये देख ले कितना अच्छा सा कलर आ गया है इसका। और अब इसे हम 2 मिनट के लिए ढक के रख देंगे, और कढ़ाई हमारी हो गई है रेडी, और अब हम इसे 2 मिनट बाद डिश आउट करेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। अगली वीडियो तक के लिए दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।